विदर्भ प्रीमियम कोऑपरेटिव संस्था के तकरीबन 147 कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर गांधी सागर शाखा के सामने जमकर आंदोलन किया तथा संस्था के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर संस्था के 22 शाखा के कर्मचारी मौजूद थे। यू तो नागपुर में कई सहकारी संस्था है जिनका महत्व उनके कामों से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जिनके कामकाज से कर्मचारी बेहद खफा है और अपने हक के लिए अपनी मांगों को लेकर संस्था परिसर में आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नागपुर की गांधी सागर तालाब स्थित द विदर्भ प्रीमियर कोऑपरेटिव संस्था की। इस संस्था में काम करने वाले वो वही कर्मचारी हैं जिन्होंने संस्था के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन संस्था द्वारा दिए गए लोगों के कर्जों की रिकवरी नहीं किए जाने से संस्था ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से लेकर पद बढ़ती को रोक दिया है, जिससे खफा ये कर्मचारी संस्था पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विदर्भ प्रीमियर कोऑपरेटिव संस्था की स्थापना 20 जून 1930 में हुई है। संस्था की 12 नागपुर में और 10 विदर्भ में ऐसे कुल 22 शाखाएं हैं। 22 शाखाओं में 147 कर्मचारी काम करते हैं। बीसीएन समक्ष बात करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि 22 जुलाई से लेकर वेतन में बढ़ोतरी तथा महंगाई भत्ता हर वर्ष आगे भी मिलते रहे। कोरोना कार्यकाल में कर्मचारियों ने संस्था के लिए काफी काम किया, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु संस्था के पदाधिकारी कर्मचारियों पर ऋण वसूली को लेकर काफी प्रताड़ित कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रही है। कर्मचारियों ने आगे ये भी बताया कि जब संस्था को आर्थिक परेशानी है तो संस्था ने कोरोना कार्यकाल में चैताला क्षेत्र में 25,000 स्क्वायर फुट जगह 8 करोड़ में कैसे खरीदी, जबकि ये और भी कम दामों में मिल सकती थी, किंतु संस्था ने ऐसा न करते हुए करोड़ों रुपए में जगह खरीद रही है और जिनके बलबूते पर आज विदर्भ प्रीमियर संस्था जो बढ़ रही है, ऐसे संस्था के कर्मचारियों के वेतन और पद भर्ती को लेकर उदासीन रवैया अपना रही है। जल्द से जल्द संस्था के पदाधिकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें, अन्यथा इसके आगे ये आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि सभी शाखा के 147 कर्मचारी एक है। इस मौके पर संस्था आंदोलनकारी कर्मचारियों ने बीसीएन समक्ष जानकारी। सर, जिस प्रकार से आज 147 कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया है विदर्भ प्रीमियर संस्था के, क्या कहना चाहोगे, क्या उनकी मांग है और आप लोग उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रहे? देखिए, 147 कर्मचारी यहाँ पर जो कार्यरत है, उन्होंने अपना 2 दिन का स्ट्राइक डिक्लेयर किया था, इसलिए संस्था के बाहर वो खड़े हैं, शांतिपूर्ण रूप से खड़े हैं, और आज कल और आज ये 2 दिन में उनका जो स्ट्राइक है वो उनका ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक कि उन्होंने मांग की थी कि हमें इंक्रीमेंट चाहिए, हमें डीए चाहिए, डियरनेस अलाउंस चाहिए, संस्था के आज के तारीख में डियरनेस अलाउंस और इंक्रीमेंट ये अभी इस साल के लिए कुछ दिन के लिए हमने आगे बढ़ाया है, भाई कुछ दिन के बाद हम देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, मैनेजिंग कमेटी सोचेंगी, प्रबंध समिति सोचेंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेंगे, और वो नहीं सुनते हुए उन्होंने एक तरफा आंदोलन किया है। ये संस्था के और मजदूर कानून के खिलाफ में है और उसकी उनको 2 दिन की शिक्षा मिलेंगी, 2 दिन उनका जो पगार है वो निश्चित रूप से काटा जाएगा। कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद बीसीएन की टीम ने सीधे संस्था के पदाधिकारियों से मिलने संस्था पहुंची, जहां पर संस्था के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बीसीएन संवाददाता ने कर्मचारी की मांगों को लेकर जब पदाधिकारियों से सवाल जवाब किया तो संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था में काम करने वाले 147 कर्मचारियों का सालाना वेतनवाट देने के लिए कटिबद्ध है, किंतु कोरोना महामारी के कारण संस्था की आर्थिक परिस्थिति पर जो विपरीत परिणाम हुए हैं, जिसकी वजह से रिकवरी ऑफ लोन तथा लोन केसेस यह प्रभावित हुए हैं और कामकाज भी प्रभावित हुआ है। जब संस्था की आर्थिक परिस्थिति और कर्मचारियों के सहयोग सहजता से दुरुस्त होगी, तब कहीं जाकर संस्था कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकती है। आंदोलन कर रहे कर्मचारी की 2 दिन की सैलरी नहीं दी जाएगी। दर्शकों, इस समय में बीसीएन की टीम विदर्भ प्रीमियर बैंक के सामने में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि आए दिन कर्मियों को लेकर
काफ़ी परेशानी हो रही है और जो प्रबंधन है, जो बैंक के मुख्य जो लोग हैं, वे कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हितों में काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसके ऊपर में कर्मचारियों के ऊपर में भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं विदर्भ प्रीमियर के उन 141 कर्मचारियों के जो आज यहाँ पे आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये मानना है कि उनकी कोई भी मांगे अब तक के पूरी नहीं की गई है। हम सीधा रुख करने चाहेंगे बैंक के कुछ कर्मचारी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं पराग संकुवर। कैसा है कि हमारा जो नियम से बायरूल जो सालाना वेतन वार रही है वो हमारे सैलरी में की नहीं गई। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? सालाना वेतन वार, उसके बाद महंगाई भत्ता, उसके बाद जो हमारे जो कर्मचारी है बाबू लोगों को ब्रांच मैनेजर बना के भेजा जाता, उनका प्रमोशन, और तीसरी चौथी मांगे हैं कि जो कोरोना काल में हमारे कर्मचारी ड्यूटी करते वक्त जो पॉजिटिव हुए हैं, जिनको मेडिकल में सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, उनका मेडिकल का बिल और कर्मचारी की सिक्योरिटी, उनके परिवार की सिक्योरिटी, क्योंकि वो संस्था ने अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। यदि आपके मांगों को दरकिनार किया जाता है और यदि आपके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो भविष्य में आपकी 141 कर्मचारियों की अग्नि रणनीति क्या होगी? हम लोग अगर से 24 और 25 तारीख हम लोग सब सार्वजनिक रजा सामूहिक रजा पे हैं। अगर उसके बाद हम लोगों ने उम्र को या फिर आने वाले 8 दिन में इन लोगों की मैनेजमेंट की राह देखते हैं, आज भी हमारा मानना है मैनेजमेंट इसमें कोई रास्ता निकालेगी, रास्ता अगर नहीं निकालती है फिर हम लोग उनसे पत्र व्यवहार करके रास्ता निकालने की विनंती करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं करती है तो फिर कर्मचारी अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल, कर्मचारी अपनी अगली रणनीति तय करने वाली है, ऐसा इनका मानना है। और कुछ कर्मचारी सर आपका क्या कहना है? उसकी कहना है जो हर साल बैलेंस शीट में कर्मचारी को जो पैसा देना है उसकी प्रोविजन करके रखी है इन्होंने जी, वार्षिक वेतन वार डीए की प्रोविजन सबकी प्रोविजन करके रखने के बावजूद ही हमको ये वार्षिक वेतन वार नहीं चाहिए, वो पहले अदा करें। क्या नाम है आपका? मुनीश शशंकर। और बाकी के तमाम कर्मचारी जिन्होंने बहुबेर पेपर के साथ बात करते हुए ये पता कि कर्मचारी को किस दिक्कतों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोरोना कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी अच्छा कामकाज भी किया है, उसके बावजूद जिस प्रकार से ये जो मैनेजमेंट है ये कहीं ना कहीं इन लोगों के कामकाज नहीं आ रहे, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, भूखमरी की नौबत आ पड़ी है।